जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि राज्य में यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट टीचर हैं, आप सभी लोगों के ट्रांसफर और पदस्थापन को लेकर जो ट्रांसफर की पॉलिसी है तो वो यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो है वो जारी कर दी गई है। ट्रांसफर के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आवेदन जो है वो लिए जाएंगे और जो आपका आवेदन होगा वो यहाँ पर आपके ऑनलाइन के माध्यम से जो है वो लिए जाएंगे, जो कि इसी को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका आज का पटना का जो है 19 पेपर है, जिसमें यहाँ पर आपके देखें कि शिक्षकों के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर को यहाँ पर जो आपका आवेदन है वो यहाँ पर आपके शीघ्र ही जो है वो लिए जाएंगे। ऐसे यहाँ पर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं तो उनकी तरफ से जो आपके स्टेटमेंट हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं आप लोग को यहाँ पर ट्रांसफर और पदस्थापन को लेकर जो काम है तो यहाँ पर आपके बहुत तेजी के साथ यहाँ पर आपके जो है किए जा रहे हैं। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, तो उनकी तरफ से यहाँ पर आपका बोला गया कि शिक्षकों के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर और यहाँ पर पदस्थापन यानी पोस्टिंग से संबंधित यहाँ पर जो आपके ऑनलाइन आवेदन है उसकी प्रक्रिया यहाँ पर आपके बहुत जल्दी जो है वो शुरू कर दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ये है कि जैसे आप लोग यहाँ पर ऑफलाइन वगैरह का मतलब कोई उस तरीके का आपका प्रावधान रहता तो काफ़ी ज़्यादा आपका समय लगता, अलग अलग ज़िले में आपके यहाँ पर मैटर फंसता या फिर काफ़ी ज़्यादा आपका मामला विवादित ऑफलाइन वगैरह में आपका हो जाता है। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आपके ऑनलाइन जो है किए गए हैं। तो ऑनलाइन में आप सभी लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका जो समय है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पर बहुत जल्दी ऑनलाइन जो आपका आवेदन होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो लिया जाएगा। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे तो दिसंबर तक जो यहाँ पर आपका नया स्कूल होगा तो उसमें यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं तो आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर करने के बाद आप लोग का जो पदस्थापना है वो यहाँ पर आपका जो है वो करा लिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका समय नहीं लग रहा है। ये जो आपका दिसंबर 2024 यानी इसी साल के अंत तक यहाँ पर जो आप लोग का नया विद्यालय होगा तो उसमें यहाँ पर आपका जो है भेज दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप यहाँ पर देखेंगे तो एक तरीके से मतलब इसी तरीके से आपका जो है समय निकल जाएगा। आप यहाँ पर आवेदन वगैरह करेंगे फिर उसके बाद इसके संदर्भ में कुछ आपके न्यूज इन्फॉर्मेशन या फिर किस तरीके से आपका स्कूल जो अलॉटमेंट है नया वाला जो आपका स्कूल है मतलब ट्रांसफर होने के बाद वो यहाँ पर आपका हो रहा है, तब तक यहाँ पर पता चले कि आपका स्कूल भी मिल गया और नया वाला जो विद्यालय है उसमें जाकर आप यहाँ पर पदस्थापित वगैरह जो है हो लीजिए। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका समय नहीं लग रहा है, जल्दी आपका आवेदन जो है लिया जाएगा और दिसंबर तक यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग को नया विद्यालय में यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग की तरफ से जो है भेज दिया जाएगा। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो वरीयता को लेकर जो है वो देख सकते हैं कि किनको यहाँ पर आपका वरीयता जो है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षक या फिर शिक्षिका हैं उसके साथ यहाँ पर जो दिव्यांग शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं हैं उनको यहाँ पर प्राथमिकता देने का निर्णय विभाग की तरफ से जो है लिया गया है। उसके साथ यहाँ पर जो महिला शिक्षिकाएं होंगी तो उनका भी यहाँ पर विशेष रूप से आपका ख्याल इस ट्रांसफर की जो पॉलिसी होगी तो उसमें यहाँ पर आपके जो है वो रखे जाएंगे। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि जो आपके ट्रांसफर की पॉलिसी तो उसमें आपका कोई विशेष तरीके से आपके लाभ वगैरह के बारे में आपके उसमें मेंशन नहीं किए गए थे तो फिर यहाँ पर आपका किस तरीके से ख्याल जो है वो रखा जाएगा। तो देखिए उसमें आपने देखा होगा जिसमें आपके बोले गए थे कि स्वयं का आपका जो पंचायत हो या फिर आपका स्वयं का जो प्रखंड हो या फिर आपका प्रमंडल हो उसमें आपका पदस्थापन नहीं मतलब आपका ट्रांसफर वहाँ पर आपका नहीं होगा बल्कि दूसरे जगह पे आपका यहाँ पर जो है किया जा सकता है। तो देखिए इसमें जैसे ये यहाँ पर जो शिक्षक हैं गंभीर बीमारी से ग्रस्त और यहाँ पर दिव्यांग शिक्षक उसके साथ यहाँ पर जो महिला शिक्षिकाएँ तो इनका यहाँ पर विशेष रूप से ख्याल रखने का मतलब यह है कि जैसे जो आपका आवागमन का सुविधा रहेगा वो यहाँ पर आपका सही रहेगा। जैसे आपका रोड है आवागमन का सुविधा बहुत अच्छे तरीके से है वहाँ पर कोई विद्यालय है तो वहाँ पर आप लोग का जो पोस्टिंग वगैरह है वो यहाँ पर आपका करा लिया जाएगा। मतलब बस इसमें यहाँ पर जो भी इस तरीके से शिक्षक हैं गंभीर बीमारू और यहाँ पर दिव्यांग और यहाँ पर महिला शिक्षिकाएं तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा कि जैसे जो आप लोग का काफ़ी ज़्यादा सुदूर क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र का जो विद्यालय है तो वहाँ पर आप लोग का पोस्टिंग नहीं होगा या फिर कोई आपका पहाड़ी क्षेत्र का जो आपका विद्यालय है कि पहाड़ पार करके आपको यहाँ पर विद्यालय जाना पड़ता है तो वहाँ पर आप लोग का पोस्टिंग नहीं होगा। इसके साथ ही कोई आपका उस तरीके से नदी पार का जो विद्यालय है तो वहाँ पर आप लोग का जो पोस्टिंग होगा वो यहाँ पर आपके जो है उन्हें किए जाएंगे। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया कि आपके भले ही स्वयं के पंचायत में आप लोग के यहाँ पर पोस्टिंग ना हो लेकिन जहाँ पर भी आपका पोस्टिंग होगा उसमें आपका विशेष तौर पे आपके ध्यान जो है वो रखे जाएंगे ताकि आप यहाँ पर आसानी से आप अपने विद्यालय जा सके और आ सके, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत वगैरह जो है ना हो। तो इसका यहाँ पर इसको लेकर आपके बोले गए हैं और यहाँ पर 10 विकल्प को लेकर आपका बोला गया कि जब आप यहाँ पर ट्रांसफर के लिए अपना आवेदन करेंगे तो उसमें आपको यहाँ पर 10 विकल्प जो है वो दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर अगले बगल में आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई इसमें आपका खास जो है इस न्यूज़पेपर में आपके नहीं दिए गए हैं, बस इतना ही मेन आपका जो है वो दिया गया है। तो बहुत जल्दी आपका जो ऑनलाइन आवेदन होगा वो यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा और दिसंबर तक आप लोग के यहाँ पर जो नया विद्यालय होगा तो उसमें आप लोग का जो पदस्थापन वगैरह है वो यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग की तरफ से जो है करा लिया जाएगा। तो देखिए हर एक जो काम है शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक ठाक तरीके से यहाँ पर आपका जो है किया जा रहा है। अब इसमें कोई आपका मामला केस वगैरह का जो है न फंसे क्योंकि ट्रांसफर और पदस्थापन की जो पॉलिसी आई थी तो उसके बाद आपने देखा होगा
कि कई जो शिक्षक संघ हैं तो उनके तरफ से इस चीज़ को लेकर आपका बोला गया था कि ये जो ट्रांसफर की पॉलिसी है इसमें कई चीज़ यहाँ पर बदलाव जो है वो शिक्षा विभाग करे। यदि शिक्षा विभाग की तरफ से आपका बदलाव नहीं किया जाता है तो ये आपका जो पॉलिसी होगी इसके संदर्भ में आपकी याचिका वगैरह दाखिल माननीय जो आपके उच्च न्यायालय पटना है तो उसमें आपके मतलब कोर्ट केस वगैरह जो है वो किया जाएगा। तो अब देखिए यदि कोर्ट केस वगैरह होता है तो नॉर्मल सी बात है यदि उस ट्रांसफर की पॉलिसी पर आपका स्टे वगैरह लग जाता है तो फिर ये तो आपका प्रोसेस उसी तरीके से आपका रुक जाएगा। लेकिन यदि कोई किसी के तरफ से आपके केस वगैरह नहीं किए जाते हैं कुछ भी यहाँ पर आपका नहीं होता है तो बहुत जल्दी यहाँ पर हर एक काम आपका स्टार्ट होगा। उसके साथ ही यहाँ पर आप लोग का ट्रांसफर और जो आपका नया विद्यालय होगा तो उसमें यहाँ पर आप लोग का पदस्थापन वगैरह करा लिया जाएगा। कहाँ से आप लोग का आवेदन दिया जाएगा तो इसके लिए आपको यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत रहना है। जो आप जहाँ से आप अपना ऑनलाइन अटेंडेंस जो है वो देते हैं जो कि ई शिक्षा जो आपका कोर्स एप्लीकेशन है तो उसी में यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका पोर्टल होगा उसे अपडेट जो है वो कर दिया जाएगा। फिर ऑलरेडी उसमें आपका डाटा जो है फिट रहता है तो फिर आप उसमें 10 विकल्प देते हुए आप यहाँ पर ट्रांसफर वगैरह को लेकर आप यहाँ पर आवेदन जो है कर सकते हैं। बाकी जैसे ही अपडेट वगैरह होगा तो उसके बाद आप सभी लोग को पता है कि आप लोग को भी बता दिया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर आप लोग को आवेदन वगैरह जो है वो करना है और कौन कौन सा मतलब यहाँ पर किस तरीके से आपको यहाँ पर सिलेक्ट जो है करना है। तो ये आपके ट्रांसफर और पदस्थापन को लेकर अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है सर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को भी जो है प्रेस जरूर जो है कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।